आगामी गणेश चतुर्थी के मद्देनजर भगवान गणेश की प्रतिमा बाजारों में नजर आने लगी है। अब मूर्तिकार ग्राहकों का इंतजार कर रहे हैं। दिल्ली के लाडो सराय में मूर्तिकारों ने मूर्ति को अंतिम रूप दे दिया है और ग्राहकों का इंतजार कर रहे हैं। ये तस्वीर दिल्ली के लाडो सराय इलाके की है, जहां भगवान गणेश की प्रतिमा सजकर तैयार रखी हुई है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश चतुर्थी का व्रत मनाया जाता है। इस वर्ष गणेश चतुर्थी का पर्व आगामी शुक्रवार को मनाया जाना है, जिसको लेकर मूर्तिकार मूर्ति को अंतिम रूप दे रहे हैं। हालांकि उनका कहना है कि कोरोना की वजह से 2 साल से बिक्री ना के बराबर रह गई है। आम सालों के मुताबिक बिक्री महज 10% है। वहीं मूर्ति खरीदने आए ग्राहक ने बताया कि हम भगवान गणेश का वेलकम करने को तैयार हैं। अब इतना कुछ खास नहीं जैसे पहले थी, वैसे अब बिल्कुल भी नहीं है मूर्तियों का। वैसे कलर कितने भी अच्छे बना लो तभी भी ग्राहकों को कुछ पसंद ही नहीं आता है। अब की बार कुछ है ही नहीं, मतलब कि लग ही नहीं रहा है कि गणेश पूजा है भी या नहीं। तो क्या ये सब कोरोना का असर समझते? यस, ये सब कोरोना ही है का असर है। मूर्ति में कलर किस तरीके से बना रही हो, किस चीज़ का लगा रही हो? पक्का पेंट, कच्चा पेंट, ये सब लग रहा है मूर्तियों में। और बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है इस बार हमारी। जितना खर्चा लग रहा है वापस आ रहा है? जो खर्चा लग रहा है वो वापस आ रहा है? लग तो नहीं रहा कि वापस आएगा। अब 2 दिन रह गए हैं गणेश चतुर्थी को, ग्राहक कितने आ रहे हैं, क्या खरीदारी हो रही है, लोग कितने आ रहे हैं? इतनी खरीदारी नहीं है जैसे पहले थी, वैसे अब है ही नहीं बिल्कुल भी। पहले की तरह कुछ भी नहीं है अब, जैसे पहले हुआ करती थी, जैसे बहुत ज्यादा हुआ करती थी पहले। बता दें कि कोरोना महामारी के मद्देनजर लगाई गई पाबंदियों की वजह से हर पर्व फीका पड़ रहा है। ऐसे में गणेश चतुर्थी के पर्व पर भी कोरोना का असर देखा जा रहा है। वहीं अगर बाजार में मूर्ति की कीमतों की बात करें तो 151 से लेकर 5000 तक की प्रतिमाएं बाजार में उपलब्ध हैं।